नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकल अट्रैक्शन। ये कंपास सर्वेइंग में आता है। कंपास सर्वेइंग में आता है। मान लीजिए एक लाइन की बेयरिंग है 40 डिग्री। ए बी एक लाइन है, ओके, इसकी बेयरिंग है 40 डिग्री। ये फोर ए बी लाइन है, उसकी फोर बेयरिंग है 40 डिग्री। अब इसकी बैक बेयरिंग कितनी होगी? आप इजीली कह सकते हैं इसकी बैक बेयरिंग है 40 में 180 तुम्हारा कर देंगे तो 220 डिग्री। ओके, अब प्रैक्टिकल फील्ड में हमने देखा ये आया 40 डिग्री, ये आया 220 की जगह आ गया 221 डिग्री। ये हमने मेज़र कर लिया, 40 डिग्री एंड 221 डिग्री आया, मेज़र कर लिया। तो अब ये दोनों का डिफरेंस जो है 180 नहीं है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम इजीली कह सकते हैं जब डिफरेंस 180 डिग्री ना हो तो हम कह सकते हैं ए और बी जो स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, ओके। अगर दोनों का डिफरेंस 180 नहीं है, ओके, दिस 180 इज नॉट देयर, ओके, ये डिफरेंस इज, तो हम कह सकते हैं लोकल, दोनों लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। या तो एक स्टेशन प्रभावित है या दोनों स्टेशन प्रभावित है, अभी हम ये नहीं कह सकते, पर लेकिन प्रभावित है। अब मान लीजिए एक लाइन मैं बी से सी की तरफ जाता हूँ, ओके, इसकी फोर बेयरिंग है मान लीजिए 100 डिग्री और इसकी बैक बेयरिंग है जो मेज़र की मैंने, ओके, वो है 280 डिग्री, ओके, 100 डिग्री एंड 280 डिग्री, स्टेशन बी सी, ओके, देन बी एंड सी का डिफरेंस जो है ये तो 180 है, ओके, इट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी दोनों लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड नहीं है, ना कि बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो स्टेशन ए इज इफेक्टेड, स्टेशन ए इज इफेक्टेड, बी इज ओके। बी इज ओके तो मीन्स, तो ये 221 डिग्री इज ओके, बी इज ओके मीन्स 221 डिग्री इज ओके, ओनली स्टेशन ए इज इफेक्टेड, ओके। तो मेज़र कर रहे थे 221 डिग्रीज, ओके, तो ये 40 डिग्री गलत है, 40 डिग्री गलत है, ये आपके 221 है तो ये 39 होगी, इट इज़ इफेक्टेड बाय 1 डिग्री, -1 डिग्री, ओके, दैट इज़ द एरर, लोकल अट्रैक्शन की एरर। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम नटशेल में बात करें तो कोई भी लाइन, ओके, कोई भी लाइन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में अगर डिफरेंस 180 डिग्री का है, ओके, डिफरेंस अगर फोर बेरिंग और बैक 180 डिग्री का है तो वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है, ओके। अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री के अलावा है तो दोनों में से कोई स्टेशन प्रभावित है या दोनों ही प्रभावित है। अगर अगला स्टेशन की लाइन में हम ये पाते हैं कि ये डिफरेंस 180 डिग्री है बी सी से, तो इसका मतलब बी फ्री हो गया, सी फ्री हो गया, सी का अभी फ्री हो गया, ओके, बी सी इज़ आर ओके, सिर्फ ये प्रभावित है, ओके। तो इस हिसाब से हम जो स्टेशन है वो निकाल सकते हैं कि कौन से स्टेशन प्रभावित हैं कौन से नहीं हैं। तो इसके हिसाब से हम सवाल करते हैं और फिर करेक्टेड बेयरिंग निकालते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल ले लेते हैं और उसको हम करके देखते हैं, ओके। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल है हमारा ये, मान लीजिए द फॉलोइंग बेयरिंग्स आर टेकन वाइल कंडक्टिंग द क्लोज टावर्स विद ए कंपास इन ए प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वॉज सस्पेक्टेड, ओके। ये ट्रैवर्सिंग की रीडिंग है ए बी बी सी सी डी डी ए। अब इसमें क्या है कि ये जो स्टेशन कौन सा प्रभावित नहीं है वो चेक करते हैं, ओके। अगर हम देखें तो ये स्टेशन, ये लाइन जो सी डी है वो प्रभावित नहीं है लोकल अट्रैक्शन से,
ओके, इसका मतलब जो ये हुआ कि सी डी आर एंड डी आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 160 डिग्री 45 मिनट और 60 डिग्री 15 मिनट। ओके, इनका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, तो ये सी और डी प्रभावित नहीं है। तो यू कैन से, अगर देखें इस क्वेश्चन को, देखें तो निकाल के देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ओके, पहले इसको नोट कर लेते हैं। लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए। ओके, तो ये लाइन ओके लाइन ए बी बी सी सी डी ये लाइन लाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी क्लोज ट्रैवर्स है, इसकी फोर बेरिंग है। ओके, तो आप देख रहे हैं फोर बेरिंग है इसकी, 80 डिग्री 45 मिनट, 180 डिग्री 45 मिनट, 130 डिग्री 30 मिनट, 130 डिग्री 30 मिनट और 240 पंद्रह 240 डिग्री 15 मिनट। ओके, और ये है डी ए, डी ए की है 290 डिग्री 30 मिनट। अब इसकी बैक बेयरिंग है, इसकी बैक बेयरिंग अगर देखें तो ये दिया हुआ है 260 डिग्री, 211 311 260 डिग्री, और उसके बाद है अगर देखें तो 211 डिग्री 35 मिनट, 60 डिग्री 15 मिनट, और 110 डिग्री और आगे मिनट है 10 मिनट। ओके, साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ सी और डी में डिफरेंस जो है, ओके, ये 180 डिग्री का है, डिफरेंस इज 180 डिग्री, बाकी में नहीं है। तो यू कैन से स्टेशन सी डी आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, अब सेकंड केस में अगर देखें कि अब हमें देखना है कि बाकी की राइट डिग्री क्या है, ये तो ठीक है। ओके, सी डी इज ओके। ओके, तो अगर सी डी ओके है तो ये बी सी की जो बैक बेयरिंग है ये भी ठीक है, और डी की जो ये है ये भी ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें ये, क्योंकि सी डी ठीक है तो डी ए इज की फोर बेयरिंग इज ओके, बैक बेयरिंग में 180 डिग्री, ये बैक बेयरिंग रॉन्ग है, तो इसकी करेक्ट बैक बेयरिंग होनी चाहिए 110 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, ये बैक बेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि सी डी इफेक्टेड नहीं है, तो डी में ये आ गया, तो ए का इफेक्ट आ गया, ए का जो 20 मिनट है ऐड हो रहा है। ओके, ए में जो 20 मिनट है ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ये ए बी है, इसमें 20 मिनट और ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगी 81 82 डिग्री, 82 डिग्री 5 मिनट। ओके, 82 डिग्री 5 मिनट, और 81 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 20 मिनट ऐड होना तो 81 डिग्री 5 मिनट, तो ये हो जाएगी 261 डिग्री 5 मिनट। ओके, 261 डिग्री 5 मिनट, तो ये आप देख रहे हैं इसमें 1 डिग्री 5 मिनट ऐड हो रही है, तो बी सी में 1 डिग्री 5 मिनट ऐड कर लेंगे तो 131 डिग्री 5 मिनट। ओके, और 131 डिग्री 35 मिनट, सॉरी 131 डिग्री, 1 डिग्री 5 मिनट ऐड कर दिया,
तो 131 डिग्री 35 मिनट, तो ये डिग्री आ गई, फिर 311 डिग्री 35 मिनट। ओके ये चेक हो गया, अगर ये और ये सेम आ गए इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। ओके उसके बाद तो आपका वो ठीक ही है। ओके ये था 240 डिग्री, 240 डिग्री और 15 मिनट और 60 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि ये तो ठीक है। ओके नेक्स्ट इज 290 डिग्री 30 मिनट और 110 डिग्री 30 मिनट। तो क्वेश्चन आपने करेक्ट बेयरिंग निकाल दी सबकी। ओके दिस इज द करेक्टेड फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। अब ये करेक्टेड फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग आपने निकाल दी, अब आराम से इसमें इंक्लूडेड एंगल निकाल लीजिए। ओके इसके हिसाब से, ओके इसके हिसाब से आप इंक्लूडेड एंगल जिसमें से ये माइनस करेंगे, बी सी माइनस ये निकालेंगे, तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, ड्रॉ करने के बाद आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। ओके ए बी क्या है, दिस इज ए बी 81 डिग्री 5 मिनट। ओके तो ये आ गया ए बी, एंड बी सी क्या है, बैक बेयरिंग आ गई इसकी 261 डिग्री। ओके फॉर बेयरिंग 131 डिग्री 35 मिनट। ओके 131 डिग्री 35 मिनट करीबन यहाँ पे है, तो ये एंगल आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 261 में 130, 130 डिग्री तो एक हो गया, 129 डिग्री माइनस 30 मिनट और माइनस कर देंगे तो 30 मिनट। ओके 261 में से ये माइनस कर दिया आपने, तो 130 और ये माइनस 30 और कर दिया 130 डिग्री 29 डिग्री 30 मिनट। ओके सिमिलरली आपने ये एंगल माइनस करना है। अगली है फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग 311 हो गई है, और अगली है 240 डिग्री 15 मिनट। ओके 240 का मतलब है ये लाइक दिस, और 311 में से ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 71 डिग्री। ओके 71 डिग्री 30, ये 240 डिग्री 15 है तो 35 मिनट का 20 मिनट रह गया, 71 डिग्री 20 मिनट, ये आ गया हमारा 71 डिग्री 20 मिनट। ओके अगला निकालेंगे, ओके ये हमारा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री 15 मिनट, और अगली फोर बीइंग आ रही 290 डिग्री, अगली है 290 डिग्री 30 मिनट, तो इसमें 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल आएगा 230, 290 में से ये घटा देंगे तो 230 डिग्री 15 मिनट आ गया, और इसी को 360 में से माइनस करेंगे तो 129 डिग्री, और ओके 360 में से माइनस कर 129 डिग्री 45 मिनट। ओके 129 डिग्री ये आ गया 129 डिग्री 45 मिनट। ओके अब 110 डिग्री 30 मिनट में से ये 180 डिग्री 45 मिनट घटा देंगे, क्योंकि ये बैक बेयरिंग में से ये निकालना पड़ेगा, 110 डिग्री 30 मिनट से हम 80 डिग्री 45 मिनट घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 मिनट में से 1 डिग्री 90 से 45। ओके 109 में से पहले 1 डिग्री लेते हैं सर से, 110 में से 1 डिग्री प्लस कर लेंगे 60 मिनट हो जाएंगे, तो 90 में से 45 गया 45 मिनट, इधर अब 109 डिग्री रह गया, 109 में से 28 गया तो 29 डिग्री 45 मिनट। ओके चारों एंगल आ गए, एंगल ए 29 डिग्री 45 मिनट, एंगल बी 129 डिग्री 30 मिनट, एंगल सी 71 डिग्री 20 मिनट, और एंगल डी, एंगल ए बी सी, एंगल डी 129 डिग्री 45 मिनट। ओके 129 अब इन चारों को ऐड कर सकते हैं, तो चारों का एंगल का सम आएगा 2n-4, 2n-4, नंबर ऑफ साइड्स 4 है इंटू 90, दैट इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन।
तो ये अगर 2 × 4 8 माइनस 4, ओके 8 − 4 2n, n इज 4, n इज नंबर ऑफ साइड्स, × 90, तो ये आ गया 360 डिग्री। ओके तो इसको ऐड कर लीजिए, 129 डिग्री 49 मिनट, इन सबको ऐड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा अब 45 मिनट, 20 65, 65 45 मिनट। और ये ज़रा चेक कर लेते हैं इधर से, गलती तो नहीं हुई, एंगल एट ए, दूसरे तरीके से क्या हुआ। ओके ये हमारा ये तरीका था, दो तरीके से आप निकाल सकते हो, रीडिंग आई 261.5, 81.5, ओके हमारी आई थी 81.5, 261.5, ओके और 131.35 और 211.35, 240.15, 15.5 और लास्ट आई 290.30 और 110.30। ओके ये तो ठीक है हमारी, सेकेंड इज इंक्लूडेड एंगल इसमें निकाले नहीं है। ओके तो दैट इज 360 डिग्री। ओके चारों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 45 और 45 90, 30 120 और ये 71 20। ओके ये इंक्लूड 29 45 और 90, ओके 29 30, और ये एंगल कितना आया 100, ये एंगल है 261, 311 ए बी सी डी, तो 311 माइनस 240 15। ओके 30 30 मिनट आएगा ये, तो 31 30 है ये, सॉरी यहाँ पर 31 30 है। ओके इंक्लूड एंगल डालने में गलती थी, 31 30, तो देन यू कैन सी दिस विल बी 360 डिग्री। ओके सो दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन डू इट कि भाई कैसे करेक्टेड बेयरिंग निकालते हैं और कैसे निकालते हैं लोकल अट्रैक्शन के सवाल कैसे करते हैं। थैंक यू।